नमस्कार, मैं हूं तमन्ना। आप देख रहे हैं ओके क्रेडिट। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि भारत को आज़ाद हुए 74 साल हो गए और कुछ दिन पहले ही हमने स्वतंत्रता दिवस भी मनाया है। इस 74 साल में जाहिर सी बात है बहुत कुछ बदला है। लोगों के लाइफस्टाइल बदले हैं, लोगों का खर्च करने का तरीका बदला है। कई ऐसे बिजनेस हैं जिनके बारे में सोचा भी नहीं गया था, लेकिन अब ऐसे बिजनेस स्थापित भी किए गए हैं। और अब तो बात हो रही है आत्मनिर्भरता की, यानी कि आप खुद पे डिपेंड हो जाएं, किसी पे आपको डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। और ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल हो सकता है जब आप अपना कोई बिजनेस शुरू करें। खैर, बिजनेस की बात बाद में करेंगे, लेकिन एक बड़ी दिलचस्प बात है कि इन 74 सालों में अगर कुछ नहीं बदला है तो वो है सोना। ये वाला सोना नहीं, सोना पहनने वाला सोना। वैसे मेरे पास भी कोई सोना है नहीं, और सोने से हर किसी को प्यार है, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो। और शुरुआत से ही ना हमारे इंडियन कल्चर में, मिडिल क्लास फैमिलीज़ में खास तौर पर, अगर मैं अपने घर की भी बात करूं तो सोने को बड़ा ही संजो के रखा जाता था कि भाई बेटी की शादी होगी तो उसके लिए सोना देना है तो इकट्ठा कर लो, या फिर किसी की बड़े करीबी की ब्याह शादी है तो उसको कितना सोना देना है, तो उसी से स्टेटस भी आंका जाता था कि भैया इतना दिया है तो इतना स्टेटस है। और हम देखते हैं गांव में, और आज भी हम देखते हैं कि बड़े मज़े की बात है कि जब भी शादी होती है तो नई दुल्हन आती है तो देखा जाता है कि भैया कितना सोना पहना है। अच्छा, इतना सोना पहना तो यानी कि अच्छे घर से आई है, और मैंने तो सोना पहना ही नहीं है। मुझे खैर इतना शौक़ नहीं है सोना पहनने का, लेकिन हाँ, मैं पढ़ रही थी सोने के बारे में, तो मैंने पढ़ा कि सोने के भाव जो है ना वो हमेशा चेंज होते रहे हैं। तो दिमाग में आया कि सोने का भाव क्यों चेंज होता है, क्योंकि सोना या फिर कोई भी ज्वेलरी या फिर कोई भी ऐसा जो मेटल होता है, चाहे वो गोल्ड हो, सिल्वर हो, इवन कि डायमंड का कहते हैं कि उसका इतना ज़्यादा रिटर्न आपको नहीं मिलता है, लेकिन सोना एक प्रॉपर्टी की तरह लोग लेते हैं कि भैया सोना खरीदा, रख लिया, बुरे वक्त में काम आएगा। और आज भी हमारी सोच यही है, भारत में अगर मिडिल क्लास फैमिली की बात करें तो यही सोच है। तो आज हम सोने के ऊपर ही बात करेंगे कि आखिरकार गोल्ड के दाम इतने बढ़ते चढ़ते और उतरते क्यों हैं, और इतने सालों में, 74 सालों में सोने की कीमतों में क्या कमी, क्या तेज़ी, क्या मंदी, और किस तरह से सोने में बदलाव आया है, आइए सुनते हैं। आपको पता है कि आज़ादी से लेकर अब तक सोना 600 गुना से भी ज़्यादा महंगा हो चुका है। शायद आप नहीं जानते होंगे कि 15 अगस्त 1947 के दौरान सोने का भाव उतना ही था जितने में आजकल 1.5 लीटर दूध आता है, क्योंकि जो सोना आज 52,000 के ऊपर है वो 1947 में सिर्फ 88.62 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव मिलता था। हालांकि उस समय के हिसाब से लोगों को यही भाव बहुत ज्यादा था, क्योंकि 1947 में प्रति व्यक्ति आय ही 249.60 रुपए सालाना हुआ करती थी, जो कि आज के लिहाज से कुछ भी नहीं है, जबकि 2015 में प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 88,533 रुपए हो गई, यानी प्रति व्यक्ति आय में 350 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। अब सवाल ये है कि जो सोना पहले दूध के भाव मिल रहा था वो आज इतना महंगा कैसे हो गया, यानी कि सोने के जो दाम है वो क्यों बढ़ते हैं। सोने की कीमतें कई फैक्टर्स पर निर्भर करती हैं। आजकल सोने की कीमतों पर डिमांड, सप्लाई, डॉलर का भाव, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की हलचल, वैश्विक राजनीतिक माहौल का असर पड़ता है। दुनिया में कुछ भी उथल पुथल होती है तो आम तौर पर सबसे पहले सोने के ही भाव बढ़ते हैं, क्योंकि निवेशकों के बीच आज भी सोना सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है। इसलिए जब दुनिया भर के बाजार टूटते हैं तो सोना चमकता है। 15 अगस्त 1947 को एक डॉलर का भाव 1 रुपए के बराबर हुआ करता था, लेकिन आज एक डॉलर का भाव 75 रुपए के करीब है। यानी तब से लेकर अब तक डॉलर 75 रुपए मजबूत हुआ और रुपया कमजोर। सोने के भंडार देश में सीमित है, इसलिए डिमांड की पूर्ति के लिए अगर सोना विदेशों से मंगाया जाता है तो उसका भुगतान डॉलर में होता है, जिसकी वजह से ये और भी महंगा हो जाता है। तो भाई, आपकी अगर सैलरी बढ़ रही है तो सोने के भाव बढ़ जाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर सैलरी नहीं बढ़ रही, इंक्रीमेंट नहीं हो रहा और सोने के भाव बढ़ते जा रहे हैं, तो फिर फ़र्क पड़ना लाजमी है। तो इसलिए आत्मनिर्भर बनिए। बिजनेस के हम आपको लगभग कितने टिप्स बताते हैं और कोशिश करते हैं कि हर तरह का बिजनेस हम कवर करें, और इसमें आप हमारी बहुत मदद कर रहे हैं, इसमें कोई आशंका नहीं है, क्योंकि आपके जो कमेंट्स आते हैं उसमें कई लोगों ने हमें ये आइडियाज़ देते हैं, हमें कई लोग कि आप इस बिज़नेस के बारे में बताएं, आप इस बिज़नेस के बारे में बताएं, और वो चीज़ हम आपके सामने लेकर आने की कोशिश करते हैं, और ये कोशिश हमेशा जारी रहेगी। आप हमें सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आपको। नमस्कार। ओके क्रेडिट, भरोसा व्यापार का।